أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان الله سبحان الله جزاك الله कारी खालिद उस्मान अलवी रब ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है माशाल्लाह 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात व्यूअर्स वेलकम करना चाहूँगी शहर रमज़ान हमारी खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको आज मे डे फर्स्ट मे लेबर डे के तौर पर जाना जाता है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज इस टॉपिक पे हमें गाइड करने के लिए और बताने के लिए कि हमें एक्चुअली अपने मज़दूर भाइयों और बहनों के साथ कैसे पेश आना चाहिए हमारा रवैया क्या होना चाहिए और आखिर जब हम मज़दूरों के आलमी दिन की बात करते हैं तो उसके ज़ुमरे में कौन कौन आता है हम एक जनरल सी स्टेटमेंट पास कर देते हैं मज़दूर उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमें गाइड करेंगे हमारे उस्ताद हमारे बुज़ुर्ग साहिब दुआ साहिब कश्म एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी रूहानी पर्सनालिटी सैयद सरफराज शाह साहब अस्सलामु अलैकुम शाह वालेकुम अस्सलाम शाह साहब हम जब आज के दिन की बात करते हैं मेटे की और बिकॉज आपका एक माशाल्लाह बहुत सॉलिड ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड रह चुका है और आपका एक बड़ा सॉलिड करियर भी रह चुका है तो आपका बहुत से लोगों के साथ इस तबके का काम की कैपेसिटी में भी इंटरेक्शन रहा होगा
तो अगर आप पहले हमें ये गाइड कर दें कि मजदूर के जुमरे में कौन कौन आता है, मे डे किस किस को अप्लाई करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट ए लाइटर नोट, ये जो आप मे डे कह रही हैं, असल में ये पायलट्स का कॉल साइन है। अगर वो किसी मुश्किल में फंस जाएं, तो वो एटीसी को जो कॉल देते हैं वो मे डे मे डे मे डे। तो हम आमतौर पे इसको लेबर डे के नाम से जानते हैं। जो आपने मजदूर की तारीफ पूछी, मैं उस वक्त गवर्नमेंट के एक अदारे में था, तो एक ऑफिसर की सर्विसेज फॉर सम रीज़न डिस्पेंस विद हो गई। वो एक अलग इशू है क्या था। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की उसके खिलाफ के लिए मुझे गलत टर्मिनेट किया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर एक फैसला दिया। इन साहब के वकील की आर्गुमेंट ये थी कि गर्चे वो डेजिग्नेशन के लिहाज से, सैलरी के लिहाज से वो ऑफिसर है, लेकिन इसको ऑफिसर कैटेगरी में हम डाल नहीं सकते। और वजह उसकी उन्होंने बयान की, ये साहब इंटरनल ऑडिटर थे, कि मजदूर वो है जो इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है, जो अज खुद कोई फैसला नहीं करता बल्कि दूसरों के फैसले पर अमल करता है। मैं भी मजदूर हूँ। नहीं, आप तो ठीक ठाक अफसर हैं। तो उनका वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया लाहौर हाई कोर्ट ने कि यस, मजदूर की डेफिनेशन ही ये है कि जो खुद अपना माइंड अप्लाई न कर रहा हो, कोई फैसला खुद न करे बल्कि दूसरों के अहकाम को इम्प्लीमेंट कर रहा हो, वो मजदूर है। ठीक। तो उससे अब आप अंदाज़ा कर लें कि मजदूर कौन कौन हो सकता है। और अगर हम बात करें डोमेस्टिक स्टाफ की, जैसे कि घरों में भी लोग जो काम करते हैं, ये तो अंडरस्टूड है कि जो डेली वेजर्स, जो डेली वेज पे लोग होते हैं, वो तो मजदूर हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं अपने हाथों से। क्या घर का स्टाफ भी लेबर में इंक्लूडेड होता है इस कैटेगरी में? देखिए, मजदूर दो तरह के हैं। जो लेबर पॉलिसी में कवर होते हैं वो हैं जो इंडस्ट्रियल लेबर है, और उनको प्रोटेक्शन है। अनस्किल्ड लेबर वो ज़िम्मे में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उर्फ़ आम में पूछें तो वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं। इसके बारे में दो चीज़ें हैं। एक तो मुल्की कवानीन हैं, लेबर लॉज जिनको हम कहते हैं, और उससे ज़्यादा एक बाइंडिंग हमारे ऊपर है बहसियत मुसलमान के, कि जो कुछ हमारा दीन हमें इनके बारे में कहता है, और अगर आप उसको इन डेप्थ एनालाइज करेंगी तो एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ नज़र आती है। जो हमारे लेबर लॉज हैं वो शायद इतना बेहतर सलूक सजेस्ट नहीं कर रहे जितना हमारा दीन सजेस्ट करता है। बेशक बेशक। तो मुसलमान पर दो तरह की पाबंदियां हैं। एक तो वो दीन जो कुछ कह रहा है, रब ताला ने जो कुरान पाक में बयान किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है, वो उस पर बाइंडिंग है और उसको उसने फॉलो करना है। इसके साथ साथ वो लॉ ऑफ द लैंड को भी फॉलो करता है, ये उस पाबंदी मुसलमान पर। तो वो
अब दोनों को अगर हम मिला लें तो आप देखिए कि जो दीन ने हमें तलकीन की है मजदूर के बारे में या अपने मातहत काम करने वालों के बारे में, वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर सलूक कॉल फॉर करती है। बेशक, तो यानी कि अगर हम शाह साहब दीन के से के अहकाम को अगर फॉलो कर लें जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉ ऑफ द लैंड तो आप पूरा करेंगे, बल्कि उससे भी चार स्टेप्स आगे जाके अपनी आज अपना अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सवार भी लेंगे। शाह साहब आपकी इजाज़त से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस आके शाह साहब हमें गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए मजदूरों के साथ। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, सरफराज ए शाह साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने हमसे वादा किया कि हमें गाइड करेंगे कि हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें क्या कहता है कि हमारा अपने मजदूर भाइयों और बहनों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए। जी शाह साहब, हमारे दीन में एक बड़ी सीधी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। क्या बात है। ये एक चीज किसी भी काम करने वाले इंसान के लिए इंतहाई अहम है कि वो सारा दिन या पूरा महीना इस उम्मीद पे काम करता है कि मुझे मेरी उजरत मिलेगी और उससे मेरी ज़रूरियात पूरी होंगी। जब शाम को छुट्टी का वक्त हो या महीने की आखिरी तारीख आ गई हो तो उसकी ये उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए क्या नफ्सियाती नुक्ता नज़र से सबसे अहम चीज़ जो किसी भी काम करने वाले के लिए हो सकती है उसे टच किया कि उसकी उजरत उसको पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। आप डोमेस्टिक सर्वेंट्स का जिक्र कर रही थी, इस सिलसिले में हमारी नीयत बखैर होती है, उसमें नीयत में कोई शक नहीं हमारी, लेकिन हम अपनी मसरूफियात की वजह से या याद नहीं रह गया तो सैलरी उनको एक फिक्स डेट पर दे नहीं पाते हैं। आमतौर पर आगे पीछे हो जाता है डोमेस्टिक सर्वेंट्स के ज़्यादातर। अगर हम इसके बारे में बहुत पर्टिकुलर हो जाएं कि महीना ख़त्म होने से एक दो रोज़ पहले उनको सैलरी दे दें, बिल्कुल, तो उनकी वो जो एक उम्मीद और एक आस है वो नहीं टूटती है। ये और ज़िंदगी में आम हालात में भी मजदूर या वर्कर्स के उससे हट के भी अगर हम बात करें, इंसान को एक बात पर बड़ा मोहतात रहना चाहिए, बहुत मोहतात, कि किसी की आस ना तोड़े आदमी, क्योंकि आस का तोड़ना बड़ा ख़तरनाक है। इंसान हमेशा ये कोशिश करे कि किसी की आस टूटने ना पाए। लेकिन शाह साहब, सैलरी तो अपनी जगह एक चीज़ है कि वक्त पे पेमेंट होनी चाहिए, ये तो एक बहुत, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बड़ी बेसिक चीज़ है जो अक्सर लोग, आप कह रहे हैं नियत में, तो शाह साहब आपका दिल बहुत बड़ा है, आप शायद लोगों को बड़े पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मैंने तो हमेशा यही देखा है कि लोग जान के अपने स्टाफ को तंग करने के लिए कभी कभी किसी ने छुट्टी ज़्यादा लंबी कर ली, किसी प्रॉब्लम की वजह से, बेशक माँ बीमार, बाप बीमार, जो भी इशू है, जान के सैलरी को डिले कर दिया या 15 तारीख को दे दी। अब शाह साहब, जिनके घर बिल्स फर्स्ट या सेकंड तारीख को आ जाने हैं उनको 5 तारीख को आप देंगे तो ऊपर से फाइन भी उन बेचारों को देना पड़ेगा। तो ये सैलरी एक पहलू है। अब देखिए कि हमें हुक्म क्या है कि जो खुद खाओ वही गुलाम को खिलाओ। अब आजकल तो गुलाम का तसव्वुर नहीं है, तो उसकी जगह जो लोग डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो
तो खिलाने में ताकीद है कि उनको वही कुछ दो जो खुद खाते हो। सऊदी अरब में एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई देती है जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। शायद उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ का इन्फ्लुएंस काफ़ी है कि उनका ड्राइवर, उनका मुलाजिम उनके साथ बैठ के खाता है खाना। हमारे यहाँ यह नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ वो एक कॉन्सेप्ट, जो बड़े बड़े अच्छा सलूक करने वाले लोग हैं जो अपने मुलाजमीन से बहुत अच्छा सलूक करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर लेंगे कि जो खुद खा रहे हैं वही मुलाजिम खाएगा। कहीं अगर बाहर गए हुए हैं तो खुद खाना खा रहे हैं तो ड्राइवर से कहेंगे कि आप वो दूसरी टेबल पे बैठ जाइए और जो जी चाहता है आप ऑर्डर कर दीजिए। ये उसको आज़ादी देंगे कि जो जी चाहता है मंगवा लो। लेकिन सऊदी अरब में ये मेंटेन किए हुए हैं ये बात कि उनका मुलाजिम उनके साथ बैठ के खाएगा। क्या खूबसूरत बात है। और तो ये जो उसको खाने के वक्त अपने बराबर बिठाते हैं, ये उसको बहुत बड़ी इज्जत का एहसास दिलाती है ये चीज़ कि मेरी बहुत इज्जत है। तो जो आपके ज़ेर दस्त हैं, यूँ कह लीजिए आप, आपके मातहत काम कर रहे हैं, खा किसी कैटेगरी में हैं, जब हम उनको इज्जत देते हैं और सिर्फ ज़ुबान से नहीं, मुझे से लोग तो टोटल पूरा कर देते हैं ज़ुबान से प्यार से बुला के और बाकी मामलात में वैसा सलूक नहीं करते। तो अगर जो हमारे एक्शन हैं वो साबित करें हमारे ज़ेर दस्त लोगों पर कि हम उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं बहैसियत इंसान के, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। शाह साहब कहाँ रिस्पेक्ट देते हैं, गालियाँ देते हैं, धुतकारते हैं? ये तो हमने, आप जैसे कि आपने कहा, ये तो एक पहलू है पैसे देने का। चले पैसे भी टाइम पे दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ओए इधर आओ, आई एम सॉरी शाह साहब, इस तरह बात करते हैं? घर के जो छोटे बच्चे हैं वो अपने से 20 साल बड़े शख्स को ना आपा कह रहे हैं, ना दीदी कह रहे हैं, ना बाजी कह रहे हैं, ना आंटी कह रहे हैं, नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन आप अपने घर के फैमिली वालों को आंटी खाला वो सारी चीज़ें बुला रहे हैं। मतलब इस किस्म के फ़र्क तो करते हैं। घरों में 12-12 10-10 साल के छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं और उनसे वो काम करा रहे हैं जो शायद 25-30 साल के बंदे की फिज़िकल हिम्मत ना हो करने की। शाह साहब ये भी तो ज़्यादती होती है हमारी सोसाइटी में, यहाँ पे भी और भट्टों वगैरह में भी। ये जो हमारे यहाँ इस तरह के अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आपने भट्टे का नाम लिया, यहाँ पर बड़ा जुल्म ढाया जाता है। और ये तो जुल्म की इंतहा है कि हम 10-10, 12-12 साल के बच्चों को अपनी खिदमत पर मामूर कर दें। तो ये दीन हमें अपने ज़ेर दस्त लोगों को इज्जत देना सिखाता है, ये बल्कि सिखाता क्या है कि वी आर रिक्वायर्ड टू डू दैट, ये हमें याद रखना चाहिए। तो इनके साथ, ज़ेर दस्त लोगों के साथ सलूक बड़ा अहम है। और उनके हाथों नुकसान हो जाते हैं, हम लोग बरहम होते हैं। वहाँ अगर थोड़ा सा इंसान एक रेस्ट्रेंट रख ले, एक लम्हे के लिए ही सोच ले कि अगर ये नुकसान मेरे हाथ से हो जाता तो मैं क्या करता, तो इंसान उसको प्यार मोहब्बत से हैंडल कर लेता है। तो बात हो रही थी कि दीन हमें ये सिखाता है। दूसरी तरफ लॉ ऑफ द लैंड है हमारा, हम लोग क्योंकि वो ज़्यादातर एप्लीकेबल है अदारों पर, इंडस्ट्रीज पर, कि जो लेबर लॉज हैं वो वहाँ ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन वहाँ भी हम अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अटमोस्ट एफर्ट ये होती है कि किसी तरह कानून को डॉज कर जाएं हम। ये रवैया ठीक नहीं है कि
क्योंकि जो ज़ेर दस्त लोग हैं, जब आप उनको लुक आफ्टर करते हैं प्रॉपरली, आप उनका ख्याल रखते हैं, और सबसे बड़ी बात आप उनको एक इज्जत देते हैं, तो जवाब में वहाँ से बेहतर आउटपुट ऑटोमेटिकली मिलती है आपको। तो दर हकीकत जो कुछ हम उनके साथ बेहतर सलूक कर रहे हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, वो खुद हम अपने आप को फेवर कर रहे हैं कि जवाब में जो कुछ आएगा वो हमारे ही फायदे में जाएगा। तो ये बड़ा अहम है। शाह साहब, आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कॉल्स का सिलसिला तो शुरू करेंगे, लेकिन एक सवाल ये कॉलर ने भी पूछा, और ऑब्वियसली आई वॉज लीडिंग टूवर्ड्स दिस, कि आजकल जो हालात हैं, लॉ ऑफ द लैंड जो भी कहे शाह साहब, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मिलें बंद हैं, लोगों के बच्चे दो दो तीन तीन दिन उनको खाना नहीं मिलता, भूखे सो रहे हैं, सोच सोच के हॉल उठता है, क्योंकि अपने घर में भी दो बच्चे हैं, अगर एक टाइम को उनका खाना टाइम पे ना मिले तो बंदा अपसेट हो जाता है कि हाय है मेरे से कितनी बड़ी कोताही हो गई। तो जब आप केपेबल ही ना हो, जो डेली वेज के हमारे वर्कर्स हैं और जो घरों में भी काम कर रहे हैं, जिनको जॉब से निकाल दिया गया है इस चीज़ पे कि भाई आप आते जाते हैं तो आप अगले दो तीन महीने नहीं आएंगे, हम सैलरी भी नहीं, इंसानियत, हमारा मज़हब क्या कहता है इससे रिलेटेड, कि हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, सरफराज ए शाह साहब हमारे साथ हैं, और ब्रेक में जो हमारी मज़े की गुफ्तगू होती है व्यूअर्स, काश वो ऑनर भी होती है, एक्चुअली एक फ्लो में गुफ्तगू चल रही होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि ब्रेक में भी उसे कंटिन्यू करें। शाह साहब, ब्रेक से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि जो हमारे बहुत से मजदूर भाई बहन अभी घरों पर बैठे हुए हैं बिकॉज फैक्ट्रीज, मिल्स और ऐसी जगहें बंद हैं, लोगों ने घरों में भी अपने बहुत से स्टाफ को कहा है कि जाओ, जब वापस हालात बेहतर होंगे तो तब रखेंगे और तभी तनख्वाहें देंगे, इनके लिए हम क्या करें? दो बातें बड़ी मज़े की आपकी इस बात से याद आई हैं। एक तो बात अभी हाल ही की है, कुछ हफ्ता दस दिन पहले कहीं बात हो रही थी तो एक साहब ने कहा कि पाकिस्तान में भूख से कभी कोई आदमी नहीं मरेगा। तो हमने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी सिंपल वजह है कि हम कितने ही गए गुजरे मुसलमान क्यों ना हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में अभी भी ये जज्बा बाकी है कि अगर हमारे इल्म में कोई आ जाए ये किसी आदमी के बारे में कि उसके यहाँ फाका है, तो हम में से हर आदमी उसके घर और कुछ नहीं तो खाने पीने का सामान ज़रूर पहुँचा देता है। तो पाकिस्तान में भूखा कोई नहीं मरता, ये जज्बा हम सब में है, इसी जज्बे से हम काम लें, और ऐसे लोग जो हमारे यहाँ काम करते रहे हैं, कम से कम अगर हम उनकी पूरी सैलरीज नहीं दे सकते कि हमारे अपने वसाइल इजाज़त नहीं दे रहे, तो कम से कम हम उनको इतना ज़रूर दे दें कि उनका किचन कंफर्टेबली चल जाए। लेकिन ज़्यादा एहसन तरीका ये है कि अगर कोरोना ना होता और वो हमारे यहाँ काम करते रहते तो भी तो हमने अपने रिसोर्सेज से ही पैसा निकाल के उनकी तनख्वाहें देनी थी, तो हमारी इनकम तो आ रही है। तो अगर उनकी सैलरीज हमारी रिसोर्सेज से जाती रहें तो रब राज़ी होगा, और रब कम से कम 10 गुना करके तो लौटा देगा बेशक। तो एक बात तो ये है कि टू स्टार्ट विद हम अपने रिसोर्सेज को बेशक थोड़ा ओवरटैक्स करना पड़े वो हम कर लें, लेकिन इनकी सैलरीज हम देते रहें, और अगर किसी तरह मुमकिन नहीं हो रहा तो फिर कम से कम ये तो इंश्योर हम कर लें कि इतना उनको दे दें जिससे उनके किचन कंफर्टेबली चल जाए। तो ये बहसियत मुसलमान भी हम पर फर्ज है। शाह साहब, होता पता है क्या है कि लोगों के पास होती भी हैं चीज़ें तो वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनको एक्सक्यूज मिल जाता है ना करने का, जो यही तो उधर क्या एक्सक्यूज बनाएंगे। देखिए, यही एक अर्ज मैं किया करता हूँ कि हमारे यहाँ इस्लाम में
ईसार और कुर्बानी को बहुत अहमियत भी हासिल है और वो अप्रिशिएट भी बहुत की गई है कि इंसान ईसार और कुर्बानी से काम ले। तो दूसरी बात जो मुझे बड़ी याद आई वो इसी से रिलेटेड थी जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एक ज़माने में काजी हुसैन अहमद साहब जमात इस्लामी के अमीर थे, तो उनकी तरफ से एक स्लोगन कॉइन किया गया था जो मुझे बड़ा पसंद आया कि अगर हम भूख ख़त्म न कर सके तो हम भूख आपस में बांट लेंगे। अगर हम भूख को मुल्क से भूख को ख़त्म न कर सके तो हम भूख बांट लेंगे। तो प्यारी बात है। अब हम और कुछ नहीं अगर कर सकते तो भूख तो बांट सकते हैं कि अगर मुझे भूख है दो रोटी की और मेरे पास एक रोटी मैसर है तो मैं उस एक रोटी को भी आधी रोटी करके, तो भूख बांट लेने से मुराद काजी साहब की ये थी। तो उनकी वो बात मुझे बड़ी पसंद आई कि भूख बांट ली जाए। शाह साहब, वक्त ख़त्म होने को है, आखिरी एक डेढ़ मिनट है। मैं चाहूँगी कि कोई आज के जो फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम हैं उनके साथ हमारे व्यूअर्स को आप छोड़ें, कोई फूड फॉर थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए। हम सिर्फ इंसाफ से काम न लें, इसलिए कि वो मिनिमम लेवल है जो इंसान हमसे चाहता है, बल्कि हम इससे अपर लेवल में चले जाएं। इंसाफ के बाद इसार है और इसार के बाद कुर्बानी है। हमें कोशिश कुर्बानी के लिए करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए कुर्बानी देना सीख लें। खूबसूरत बात है शाह साहब, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब हमारी कुछ दिनों बाद मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को मंगल के रोज़ फिर शाह साहब हमारे साथ होंगे फॉर 4 डेज। व्यूअर्स, शाह साहब जो बातें कहते हैं ना, सिर्फ सरफेस लेवल पे ना सुना करें, उसके अंदर भी लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डीप मीनिंग होते हैं। हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, सिटी 42 की यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप उस पर भी जाके फिर से गुफ्तगू को सुन सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात शाह साहब ने कही कि कुर्बानी के लेवल पे अपने आप को पहुँचाएँ, ये सरफेस लेवल पे जो हम रहते हैं ना, ये मामला ज़रा ख़राब हो जाता है। कॉलर से माजरत, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ट्यूसडे को बहुत सी कॉल्स देंगे अपने टॉपिक के साथ। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुशियाँ दे, और इसी तरह आप लोगों के लिए दुआएँ करते रहें और आसानियाँ पैदा करते रहें। बड़ी मेहरबानी आपकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत हम्द पेश की हम्दे बारी ताला तहसीन सकीना साहिबा ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन की रौनक, हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन की एनर्जी का इंजेक्शन हमारी बहुत ही प्यारी बहन, मेरा तो खैर बहुत ही ख़ास लाड है तहसीन के साथ, बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, सूफ़ी सिंगर हैं, कव्वाल हैं, और उससे बढ़ के एक बेहतरीन बीवी और एक बेहतरीन माँ है। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्रेडिट जाता है इनको। शुक्रिया। आपके साथ हमें आज ज्वाइन किया है तहसीन सकीना, एक बहुत ही अकम्पलिश्ड यंग लेडी ने। जब आप इनको देखते हैं तो सोचते हैं मस्ट बी एक्टर मॉडल, बट एक्चुअली अलॉन्ग विद बीइंग अ सेलिब्रिटी आप एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ हैं, हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री डेंटिस्ट्री CMH लाहौर। अभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ व्यूअर्स, अभी और भी बहुत सी बातें। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, मीडिया एनालिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और काउंसलर भी हैं। तो ये वो यंग लेडीज़ हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करती हैं, एंड दे मेक अस फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। मतलब क्या कहूँ, प्रोफेसर साहिबा कहूँ, डॉक्टर साहिबा कहूँ, सहर जी कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। नहीं नहीं, आप ना चीज़ को सिर्फ सहर ही कहें। सबसे पहले तो तहसीन, आपने दिल और रूह को तस्कीन से तर कर दिया, अब तक उसके शहर से मैं निकल नहीं पा रही हूँ।
बाकी बहुत बहुत शुक्रिया इतने लवली इंट्रोडक्शन का, इतने काइंड लव्सों का। मेडिकल चीज़ों की तरफ तो जाएंगे बेसिकली, एक न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़ी अच्छी फीडबैक देती हैं, एंड देन आपको देख के भी अक्सर लोग कहते होंगे कि डॉक्टर साहब हमने आपकी तरह लगना है, तो रमज़ानुल मुबारक में आपकी तरह लगने की तरफ रुझान कैसे लोग कर सकते हैं, उस जर्नी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज May 1st है, लेबर डे के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, मज़दूरों का आलमी दिन। बीइंग अ वर्किंग वुमन, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी आज के दिन की मुनासबत से? बींग अ वर्किंग वुमेन, बींग अ प्रोफेशनल, मैं कहना चाहूँगी कि हर इंसान जो सुबह सूरज निकलने के बाद हलाल रिस्क कमाने की चाहत में अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, इज्जत से अपना सर ऊपर रखने के लिए, हर वो सफ़ेदपोश इंसान जो घर से बाहर निकलता है, वो हर इंसान मजदूर है, हम सब मजदूर हैं, हम सब अपनी अपनी जगह पर मजदूरी कर रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड लेबर डे को एक ख़ास क्लास के साथ मुख्तस कर दिया जाता है, एसोसिएट कर दिया जाता है, तो मैं इस बात को इसके साथ रिलेट नहीं कर पाती, इसको मैं अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। आप भी मजदूर हैं, मैं भी मजदूर हूं, हम सब मजदूरी कर रहे हैं। तो हर उस इंसान को जो रिस्के हलाल की तलाश में सुबह घर से बाहर निकलता है, उसको मजदूरों का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और सबको मैं तहे दिल से खराज तहसीन पेश करती हूँ। माशाल्लाह, व्हाट अ लवली मैसेज। ये जरूर कहूंगी कि ऑफ कोर्स हमारे जो डेली वेजेस पे लोग होते हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑब्वियसली हमारे से डिफरेंट होती है, लेकिन ये बात जो एक बात एक्चुअली जो कुछ अरसा पहले मुझे किसी ने कही जिसको सुन के मैं हिल गई, एक भाई थे, मैंने कहा भाई मजदूरों का दिन है, खुद मजदूर थे वो, तो मैंने कहा आपको आज का दिन मुबारक हो। कहते हैं बाजी किस चीज़ की मुबारक दे रही हैं, आज के दिन छुट्टी होती है हमारे पास, हम आज के दिन की दिहाड़ी नहीं कमा सकते, आप लोग छुट्टी मनाते हैं, हम लोग बैठ के सोच रहे होते हैं कि आज के दिन के हम अपने पैसे कहाँ से पूरे करेंगे। तो व्यूअर्स ये भी सोचने की बात है कि जब हम मे डे या लेबर डे मतलब मनाते हैं या मज़दूरों का आलमी दिन, तो फिर जो एक दिन छुट्टी का होता है, ऑफ डे होता है, फिर उस दिन की फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन तो उनको होनी चाहिए ना, जहाँ जहाँ वो काम करते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगी कि रमज़ान मुबारक में अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को कैसे पूरा करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जल्दी से मेरे ख्याल से एक किचन में नज़र डाल देते हैं। आज हमारे साथ बहुत प्यारी सी और बहुत ही टैलेंटेड शेफ़ हैं, हमारे साथ शेफ़ अबीरा शेख हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ अबीरा। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ आज आप क्या बनाने जा रही हैं? मैं लॉर्ड्स ऑफ फूड स्पेशल क्रीमी पैटिस रोल बना रही हूँ और साथ बोनलेस हांडी। वेरी नाइस, टाइम पे बन जाएगी जी। डन है, चले रेसिपीज़ के लिए मैं आपके पास बाद में आऊँगी कश्मीर के किचन में। और वैसे भी व्यूअर्स मैंने आपको बताना है कि कश्मीर के किचन में हमारा जो कश्मीर बनस्पति, हमारा कश्मीर ऑयल एंड बनस्पति है, उसमें क्या क्या अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं, एंड देन कर्शी ड्रामे श्री के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो हम किचन में जब जाएंगे तो बातचीत करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद हमारी वन ऑफ आवर फेवरेट पर्सनैलिटीज़, मेरे बहुत ही प्यारे काशिफ भाई ने, साहबजादा काशिफ महमूद, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड जर्नलिस्ट, एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट क्राउन ऑन हिज हेड इज वासिफ अली वासिफ के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम। अच्छा काशिफ भाई, हम अभी न्यूट्रिशन की बात करने लगे थे, तो मैंने कहा आप भी रोज़े रखते हैं और सारे रखते हैं, तो हम आपको भी लेक्चर देंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना आपने। जी ज़रूरी, डॉक्टर साहिबा गाइड करेंगे। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। लेबर डे जी बहुत कीमती चीज़ है ये, असल में इस्लाम में तो लेबर डे होता नहीं है, इस्लाम में तो हर दिन ही मजदूर का दिन होता है। बिल्कुल। और इसके हम ना आज दो पहलू जो डिस्कस करेंगे, एक तो है जो दुनियावी पहलू है और एक इसका इस्लामी पहलू भी है कि जहाँ पर मेहनत, मजदूर की मेहनत और उसका रिवार्ड, उसकी उजरत, कितनी उजरत एक मुल्क में, उसका क्या लेवल बनता है, ये सब बातें जो है ना वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। ये हमारे मुल्क का पिलर है मजदूर जो है, इसने इस इमारत को उठाया हुआ है, और ये कीमती लोग हैं, ये निकल जाएंगे तो इमारत गिर जाएगी। क्या बहुत कीमती लोग, क्या खूबसूरत बात आपने कही। अच्छा अब ज़रा सा चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं डॉक्टर साहिबा के, रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पे 3 से 5 किलो महीने में वज़न इंसान को कम कर लेना चाहिए, बल्कि 5-10 किलो चढ़ जाता है,
तो इसका रीज़न क्या है? बहुत सिंपल रीज़न है और उसके लिए बहुत टेक्निकल होने की भी ज़रूरत नहीं है. रीज़न स्ट्राइक्स कॉमन सेंस कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ फूड आइटम्स है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी दैट यू आर कंज्यूमिंग. मतलब आप कितनी तादाद में ले रहे हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या खाने में ले रहे हैं, आप खाने में किन अशिया का इस्तेमाल करें. अक्सर जब मैं लोगों के मुँह से ये सुनती हूँ, नहीं मैंने बस दो पकौड़े ही खाए थे और उस सुबह के टाइम, नहीं नहीं बस मैंने इतना सा निम्को ही खाया था या मैंने एक पेस्ट्री ही खाई थी. बात एक पेस्ट्री की नहीं है, बात उस एक पेस्ट्री किन अज्जा से बनी है, उसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद वो आपकी बॉडी को किस तरह अफेक्ट करती है, आपको वो फैट किस तरह डिपॉजिट करती है, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. सुबह शाम लस्सियाँ पीनी है और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है, अगर फ्रूट चाट बनानी है जो फ्रूट से बन रही है उसमें भी एक भरमार शरबत डालेंगे आप, चीनी डालेंगे आप, डिफरेंट मशरूब का इस्तेमाल करेंगे. देखें रमजान हो या ना हो, जो आपके पास प्रोसेस शुगर है, जो आपके पास रिफाइंड शुगर है, जो आपके पास चीनी है, वो वैसे ही अच्छी नहीं है. आपके IQ से लेके आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म से लेके अब तो इतनी सारी रिसर्चेस हो गई हैं कि आपके पास कैंसर करने में ज्यादा ग्लूकोज का बॉडी में ग्लूकोज लोड अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाए उसका बहुत बड़ा हाथ है. लस्सी में जुगन सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज आप उसमें दूध दही और अच्छे मसालों का इस्तेमाल करते हैं. आप उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करते तो लस्सी इज हेल्दी. दही से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती पूरा दिन आपको फुल रखने के लिए और आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए. बात वही है कि अगर आप शुगर का इस्तेमाल कम करें, आप तली अशिया का इस्तेमाल कम करें तो ऑफ कोर्स आप वेट लूज कर सकते हैं. ओके, देन ये याद रखिएगा कि डॉक्टर साहिबा हर कोई आपकी तरह का कॉन्शियस नहीं होता. जैसे मैं पहले कह रही हूं कि अक्सर लोग कहते हैं ये तो डॉक्टर्स आके इसी तरह की बातें करते हैं और खुद जो स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम बड़े सिंपल तरीके से सहरी में और इफ्तारी में, स्पेशली इफ्तार के वक्त पे फैमिली जो है चाहती है कि कुछ कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए दस्तरखान पे, तो क्या होना चाहिए? सहरी से शुरू करें जी. देखिए सहरी में रोटी खाने में कोई बुराई नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्ट, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मैं रोटी को बहुत एडवोकेट करती हूँ और मैं इस कॉन्सेप्ट को डिमोलिश करना चाह रही हूँ, ख़त्म करना चाह रही हूँ कि रोटी खाने से आप मोटे होते हैं. हरगिज़ नहीं, दिन में एक से दो रोटियाँ खाने से आप बिल्कुल मोटे नहीं होते, बल्कि रोटी में आपके पास बहुत ज़्यादा फाइबर होता है. आप रोटी खाते हैं? मैं बिल्कुल दिन में एक रोटी खाती हूँ, उसके अलावा मैं दो ब्रेड की स्लाइस भी खाती हूँ. नहीं नहीं इतनी हमारे घर में पूरे तवे जितनी, मैं कट्टर पंजाबन हूँ, हमारे घर में पूरे तवे जितनी रोटी पकती है, लेकिन उसके साथ फिर और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. लेकिन वर्कआउट भी करती हूँ, वर्कआउट 2 घंटे वर्कआउट भी करती हूँ. अच्छा ये देखा ना, आप उसको डिस्पेंस भी करें, लेकिन ये कि रोटी खाने से जरूरी नहीं है आप 2 घंटे वर्कआउट करें, आप मोटे नहीं होंगे. सहरी में रोटी खाना बहुत अच्छा है. एक सिंपल लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे हमारी देसी अम्मियाँ कहती हैं कि आप में जिरान रहती है, आप रोटी खाएं, आप सालन खाएं, बशर्ते कि उस सालन में बहुत ज्यादा मिर्चें ना हो. प्लीज रमजान में ज्यादा मिर्चों का इस्तेमाल ना करें. जब आप ज्यादा मिर्चें लेते हैं ना तो आपकी पूरे ब्लड में जो आपके सर्कुलेशन और टेम्परेचर है तेज हो जाते हैं, और जब वो हर ऑर्गन में तेज होता है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक या इंटेस्टाइन है, उसमें भी तेज होता है. जब स्टमक में तेज होता है, स्टमक का पहला काम होता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए तेजाब प्रोड्यूस करना, एसिड प्रोड्यूस करना, और जब आप खाली पेट होंगे वो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा तो आप खुद सोचें कि ये आपकी तबीयत को कितना अपसेट कर सकता है. तो एसिडिटी की एक बहुत बड़ी वजह ये है. आप रोटी खाएं, आप सालन खाएं, आप अगर सालन नहीं लेते आप अंडे का इस्तेमाल करें, ठीक है, आप लस्सी लें जिसमें आप चीनी ना लें और आप सिंपल सी अपनी सहरी करें, ठीक है. लस्सी में आप जीरा, भुना हुआ जीरा और नमक डाल के, इलायची इतनी बिल्कुल जबरदस्त, इलायची डालें आप लस्सी में. इलायची के इतने ज्यादा फायदे हैं, इलायची आपके पास मिनरल से भी लोडेड है और क्योंकि आजकल हमें इम्यूनिटी की भी जरूरत है, इलायची में आपके पास बड़ी जबरदस्त एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं. कुछ तो फ्लेवर डालना है ना, तो अगर इलायची डाल दी, शहद आप डाल लें. अच्छा शहद डाल सकते हैं, बेशक 2 चम्मच तो डाल सकते हैं, 2 चम्मच डालें आप शहद के. नेचुरल स्वीटनर्स आर ऑलवेज गुड. मैं इस लड़की के घर जाके 10 दिन गुजारूंगी और फिर आपको आके बताऊंगी कि असल में ये चीजें खाती भी जुगल. आप यकीन करें मैं अपने बारे में एक सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, मैं जो तबलीग करती हूँ मैं वो काम करती हूँ. तो आप आके ट्राई कर सकते. ओके, व्हाट अबाउट इफ्तार? अफतारी का यह है कि जब आप अफतारी स्टार्ट करते हैं ना तो आपका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आपने खुद को हाइड्रेट करना है. और हाइड्रेट करने का यह मतलब नहीं होता कि खाली आपने पानी के ग्लास चग करते जाना है, ठीक है. अफतारी में आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप पानी में नींबू निचोड़ लें, ठीक है, और साथ आप अपनी अफतारी फ्रूट्स से स्टार्ट करें. अफतारी के प्लेटर बनाने का ना बहुत अच्छा आइडिया ये है कि जो अपनी 3/4 प्लेट है ना, 3/4 प्लेट है, उसको फ्रूट्स और सब्जियों से भर लें और बाकी की प्लेट को, क्योंकि आपने अपनी बॉडी में जान भी लानी है, एनर्जी भी लानी है, थोड़े प्रोटीन से भर लें. प्रोटीन में आप अपने पास दालों का इस्तेमाल
भी कर सकते हैं, चनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खाली गोश्त और मछली प्रोटीन नहीं होता, ठीक है, गोश्त और मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप खाना शुरू करते हैं ना, ये वैसे भी जनरल रूल ऑफ थंब है, मेरा वैसे भी ये रूल है, तो आप अपनी प्लेट सब्जियों से खाना शुरू करें, अपनी साइड डिश से खाना शुरू करें। सब्जियों में जो है ना, आपके पास फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर की ये खासियत है कि वो आपका पेट जो है वो भर देता है, और आपको उतना आपने भरा नहीं होता जितना आपको लगता है कि आपकी भूख पूरी हो गई है। तो जब तक आप अपनी प्लेट राउंड द क्लॉक पूरी करते करते अपने चिकन पर आएंगे और अपनी दालों पर आएंगे, आपका पेट काफी भर चुका होगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर सेटाइटी टू किक इन। सेटाइटी का मतलब है दिमाग आपका पैगाम देगा, पेट भर गया है, पेट भर गया है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम तो खैर सारी साइंस है सुभान अल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया है भूख रख के खाओ, क्योंकि जब आप थोड़ी सी भूख छोड़ देते हैं, भूख के साथ आप खाना छोड़ देते हैं, एक्चुअली आपका पेट भर गया होता है और आपको 15-20 मिनट बाद एहसास होता है कि पेट भर चुका है। अच्छा, सारा कुछ ही बता दिया तो और हमारा टाइम भी पूरा हो गया, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब जब हम आपको गाय बगाय बॉदर करते रहेंगे, बिकॉज आई डू ऑल्सो वॉन्ट टू नो आपसे आगे जाके कि मतलब अगर इंसान डायबिटिक है तो उनके लिए किस किस्म का डाइट प्लान होना चाहिए। सहरी इफ्तारी में बहुत से लोग रोज़ा रख सकते हैं लेकिन तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, वो रोज़ा रखते हैं, तो अगर डायबिटिक हैं, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, स्पेसिफिक केसेस में रोज़े की गाइडेंस। बट अभी बिल्कुल क्लोजिंग में एक सवाल जरूर पूछना है मैंने, क्या पेट का साइज इतना ही होता है जितनी आपकी मुट्ठी होती है, या ये झूठ है? देखिए, जैसे जैसे आप खाते हैं ये सच है, जैसे जैसे आप खाते हैं स्टमक इज एन इलास्टिक बैग, ये आपके पास इलास्टिक होता है, ठीक है, ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है इसकी कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाती है। एक और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूंगी, फैट सेल्स, चर्बी के सेल्स, वंस दे आर फॉर्मड इन योर बॉडी दे कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। एक बार गुड न्यूज भी है उसके बाद, जो कैन रिलैक्स, गुड न्यूज ही यू आर स्लिप, एक बार वो बन गए दे कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट दे कैन श्रिंक इन साइज। अच्छा, यस, यानी कि हम भी श्रिंक हो सकते हैं और हमारी चर्बी भी श्रिंक हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बड़े दिनों बाद खुल के हंसी आई है, थैंक यू, आई नीडेड दैट, क्योंकि वैसे अभी ये जो कासिम भाई बैठे हैं बड़ी सीरियस बातें कर रहे हैं ब्रेक के बाद। हम व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास एक बहुत ही ऑनरेबल सरप्राइज गेस्ट हैं आपके लिए, उनसे भी बातचीत करेंगे, और डॉक्टर साहिबा को दुआओं में याद रखना है कि उनकी स्पीड इसी तरह तेज रहे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वेलकम तो खैर मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन तहसीन सकीना ने आपको किया। अब हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनालिटी ने जिनका शोभा बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है, डेली ये निकलते हैं हम जैसे नालायक लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, और आज स्पेसिफिकली लेबर डे पे इनको बुलाने का रीज़न भी ये था कि ना सिर्फ ये पॉजिटिव काम ऑल ईयर राउंड करते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई क्राइसिस आता है तो माशाल्लाह ना सिर्फ ये बल्कि इनकी पूरी फोर्स जो है, इनके पुलिस ऑफिसर्स हों, इनके कॉलीग्स हों, ये सब मिलके आगे पढ़ चढ़ के हेल्प आउट करते हैं अपनी आवाम को, अपने मज़दूर तबके को, और किसी भी क्लास स्ट्रक्चर या क्लास डिफरेंस में नहीं पढ़ते, हर किसी को इक्वली और पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं। आज हमारे साथ, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर CTO लाहौर हमारे साथ हैं, सैयद हम्माद आबिद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माद साहब, इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम टुडे। और ये जो मैंने एक पॉइंट आउट की चीज़, मैं चाहूँगी कि आज गुफ्तगू भी हम उधर से ही शुरू करें। आपके लाइन ऑफ वर्क में वैसे ही आपको इतनी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं, बट उसके साथ साथ जब इंसान को फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस भी करनी हो तो इट्स नॉट ईजी। आज लेबर डे है, मज़दूरों का आलमी दिन है, और आप लोगों ने द पंजाब पुलिस मेड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्ट, पंजाब पुलिस रिलीफ फंड के फॉर्म में, और आपने 20,000 से ज़्यादा ड्राई राशन के पैकेजेस जो हैं वो लोगों में बांटे। कुछ बात करेंगे इससे रिलेटेड? जी, एक तो वेरी काइंड ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। इंटरनेशनल लेबर डे के हवाले से एक तो जनरल पैगाम यही देना चाहूँगा कि ये दिन तो हर साल आता है,
लेकिन आज इस दफ़ा ये जो इंटरनेशनल लेबर डे है इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, फॉर द रीज़न बीइंग के जिस तरह के सूरत हाल से हम लोग गुज़र रहे हैं, नॉट ओनली अस बल्कि पूरी दुनिया इस सूरत हाल से गुज़र रही है। तो इस डे के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने मुखय्यर हजरात हैं उनको दिल खोल कर जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो मुस्तहकीन हैं, और वैसे भी रमज़ान का महीना है इसमें तो बरकात भी ज़्यादा हैं और सवाब भी ज़्यादा मिलता है, तो अपने सदकात, अपनी ज़कात, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह इस मंथ में ज़रूर करें। और जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है जिन लोगों के ऊपर, वो ज़ाहिर बात है डेली वेजेस के ऊपर हुआ है, और ये दिन भी उनसे मंसूब है, तो आज के दिन स्पेशली और आगे आने वाले दिनों में भी और आखिरी अशरे में स्पेशली रमज़ान के दिल खोल कर अपने एहतियात दें और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सवाब भी मिले और एक हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर सकें। जी बेशक, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। वैसे काशिफ भाई, आपने कभी सोचा है कि कितनी मुश्किल ड्यूटी है इन लोगों की, कितना टफ काम है? अगर आप देखें तो सारा सारा दिन, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, पैंडेमिक हो, कोई क्राइसिस आ जाए, यू गाइज आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट लाइन। ईद शबरात आ जाए, कहीं पर भी, सभी इवेंट्स पे, बिल्कुल। सो हाउ डू यू अपने दिल को कैसे मनाते हैं हर सर्कमस्टांसिस में, आप भी और फिर इतने लोगों को लीड भी करना? इट्स नॉट ईजी, लाहौर इज़ ए ह्यूज सिटी। जी हाँ, इसमें इस तरह है कि जिस तरह आपने अपने प्रीएम्बल में यू अप्रिशिएटेड द इनिशिएटिव ऑफ पंजाब पुलिस, जो रिलीफ फंड बनाए वो आईजी साहब का इनिशिएटिव था, जहाँ पे वी आर ऑन द फ्रंट लाइन टू सर्व द सिटीजन्स ऑफ लाहौर, और फॉर दैट मैटर पंजाब पुलिस की बात करें तो हमारे तमाम अजला में ये सूरत हाल है, और हमारे जो सिपाही हैं, हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं, अलॉन्ग विद द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हेल्थ प्रोफेशनल्स तो कर रहे हैं अपना काम और सबसे ज़्यादा एक्सपोज वो हैं, लेकिन बाकी भी इदारे मिलजुल कर अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो जैसे ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो आईजी साहब ने एक पंजाब पुलिस रिलीफ फ़ंड इस्टेब्लिश किया और उसमें वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन दी हमारे तमाम जवानों ने, हमारे राइट फ्रॉम आप नायब कासिद की मिसाल ले लें, स्वीपर्स की ले लें, क्लास फोर के मुलाजमीन, इन एवरी टीयर, इन एवरी रैंक। मैं यही बात कहना चाह रही थी कि व्यूअर्स, ये प्योरली वॉलंटरी था, ये नहीं था कि आईजी साहब ने कहा कि ये करना है तो सबने डर के मारे कर दिया। जी ऑब्वियसली, जिसका जी चाहता था और सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया। मैं आपको अगर सिर्फ बहुत अच्छी मकदार में, जारी बात है, फंड जनरेट हुए और 20,000 डेस्टिट्यूट फैमिलीज को राशन पैक्स उनके घरों तक पहुँचे, मैं आपको सिर्फ जज्बे की बात करता हूँ, सिटी ट्रैफिक पुलिस के लाहौर के जो मेरे, और वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ ऑलमोस्ट 3,300 वार्डन्स एंड डिफरेंट रैंक्स, माशाल्लाह। तो उसके अंदर इनिशियली जब हमने कंट्रीब्यूट किया तो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन के करीब हमारे स्टाफ ने कंट्रीब्यूट किया, फिर जब हमने सबमिट कर दी ये रिलीफ फंड के अंदर तो उसके बाद और वॉलंटियर्स हमारे आए, उन्होंने फिर सबमिट किया, फिर हमारी अमाउंट बढ़ी, उसके बाद थर्ड ट्रांशे दोबारा लोगों ने इकट्ठा खुद किया वॉलंट्री और उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो इससे पता लगता है कि पंजाब पुलिस अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ के अलावा अपनी माशरती और इंसानी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही है। लेकिन सर, मोरल कैसा है आपकी टीम का? देखें, एक चीज़ होती है कि चले पेंडेमिक आया, एक हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, बंदा बड़े जज्बे के साथ हर रोज़ गया, बट डेली इतनी टफ ड्यूटीज़ करना, एंड देन लोग भी गुस्ताखी करते हैं, आप माने या ना माने, कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं गाड़ी से उतर के जाके तबीयत साफ़ करूँ। आप लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रूल्स को इन्फोर्स करना, कि भाई मास्क पहने में, मतलब थोड़ा सा इस पर भी बताएंगे, मोरल कैसा है सब? जी, मोरल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और ये आपको पता लगता है बिकॉज हमारा हर बंदा अकाउंटेड फॉर है, उनकी ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटी रोस्टर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये वाला चैलेंज आया है तो हमारा ना कोई एबसेंट हुआ है, और इससे पता लगता है आपकी एबसेंस रेशो बढ़ गई कि लोग डर गए और नहीं आ रहे बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नॉर्मल रूटीन में जितनी एबसेंस रहती है रूटीन के अंदर वैसी ही है, बल्कि हमने लोगों को ईज़ आउट करने के लिए अपने स्टाफ को, वो भी आईजी साहब की डायरेक्शंस थी, सीसीपीओ की डायरेक्शंस थी, कि हम लोग जहाँ पे अगर चार लोग एक हमारे दफ्तर में कहीं डिप्यूट होते थे और दो से हमारा काम चल सकता है, तो अपनी स्टाफ की स्ट्रेंथ भी हमने रिड्यूस की कि हम लोगों को ज़्यादा एक्सपोज ना करें अनड्यू। उसी के अंदर हमारे लाइसेंसिंग ऑपरेशन सस्पेंड हुए 18 मार्च ऑनवर्ड, जहाँ पर पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है तो वो सस्पेंड हो गए, लेकिन हमने एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट की 144 की जो 144 नाफिज हुई उसके ऊपर अमलदारी हमें करानी थी, तो उसके लिए हमने शाना बशाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर
हमारे जवान खड़े हैं अपने ड्यूटी पॉइंट्स के ऊपर, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, 144 को इन्फोर्स भी कर रहे हैं, और अपना हिस्सा इस जो जहाद है अगेंस्ट कोरोना वो जारी रखे हुए जी। अच्छा, यहाँ पे सर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ ही रहें, एक और सेगमेंट हम आपके साथ गप लगाना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िंदगी और मौत का सवाल आ गया है आपके लिए, और आपको मेरी एक्सप्रेशन से पता चल ही रहा होगा कि कितना को सीरियस सवाल है। मर्द कहते हैं कि औरतें बुरी ड्राइवर होती हैं, हम इस सवाल का जवाब लेंगे कि क्या सीटीओ साहब हमारे साथ अग्री करते हैं कि नहीं, ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers. What a wonderful panel of guests we have with us today. Of course, हमारे मुल्क की बहुत ही मारूफ सूफी सिंगर कवाल तहसीन सकीना हमारे साथ हैं, फिर ऑफ कोर्स साहिबजादा काशिफ महमूद सन ऑफ वासिफ अली वासिफ ने भी हमें ज्वाइन किया है, अभी इनसे भी हम कुछ सुनेंगे ज़रूर, लेकिन अभी अंडर फायर जो हैं वो हैं सीटीओ साहब, सीटीओ लाहौर सैयद हम्माद साहब। अच्छा हम्माद साहब, बड़ा ही सीरियस सवाल है, ये सोच समझ के जवाब देना है कि भाभी प्रॉबेबली घर पे इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं, नहीं देख रही तो मैं उनको क्लिप भेज दूंगी आपके इस जवाब की, क्या ख्वातीन बुरी ड्राइवर हैं या नहीं? ख्वातीन मेरे ख्याल में, और एक इंटरनेशनल रिसर्च भी है कि वुमेन ड्राइवर्स आर बेटर देन मेल ड्राइवर्स। एक रिसर्च हुई थी इंटरनेशनल, मैं आपको बताता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसमें तीन डायमेंशंस के ऊपर इन्होंने उस पर किया था एनालिसिस, जिसके अंदर क्राइम था, उनके जो ड्राइविंग टेस्ट की कैपेबिलिटी थी, और उनका इंश्योरेंस, और एक इंटरनेशनल स्टडी हुई थी इन यूके। दे फाउंड आउट के इन तीनों मैट्रिक्स के अंदर जो ख्वातीन थी वो 4-1 उनकी रेशो मतलब बेहतर थी। तो आपके सवाल का जवाब, 400% बेटर, 3 times बेटर ड्राइवर्स देन मेल ड्राइवर्स। तो ये तो हो गया, मेरे लिए आसानी पैदा हो गई, और नहीं आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो गई, आज दस्तरखान डबल ट्रिपल मतलब बहुत वसी होगा। नहीं, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज अ फैक्ट के माय वाइफ ड्राइव्स बेटर देन मी, ये भी है। ये लोग ज़्यादा ख्वातीन जो है वो कॉशियस होती हैं, वर्ल्ड वाइड भी देखें तो आपके इंटरनेशनल ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस, एल्कोहल मक्खन लगाना कोई आपसे सीख के वैसे माशाल्लाह भाभी, वेल डन, दैट्स ऑल आई हैव टू से, ये घर की तरबियत होती है जो हमें अभी नजर आ रही है, सो वेल डन टू भाभी। एंड बाय द वे आई एम ग्लैड दैट यू एक्नॉलेज दैट, बिकॉज एक्चुअली अब एक मजाक बन चुका है कि ख्वातीन को तो गाड़ी नहीं चलानी आती, जबकि मैंने 99% मर्दों को देखा है फोनों पे और इस तरह की वायलेशंस करते हुए, ख्वातीन फिर भी डरती हैं। हमारे मुल्क में एक भी स्टिग्मा इस तरह का बना हुआ है, सिंस वी आर अ मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी, तो इसलिए वो एक गलतुल आम आप कह लें हो गया। वेस्टर्न वर्ल्ड भी पीछे पड़ जाता है ख्वातीन की ड्राइविंग पे, सबसे ज़्यादा फजूल मीम्स वहीं से आती हैं। अच्छा अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट सीरियस क्वेश्चन, इस पेंडेमिक में आप लोग क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए आपका काम आसान करने के लिए, अगर आप डेली हम लोगों को के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए बाहर निकलते हैं धूप सर्दी गर्मी अजीबो गरीब कंडीशंस लोगों के वियर्ड मेंटल स्टेट्स को हैंडल करना, हाउ कैन वी मेक योर लाइफ ईजियर ऑल्सो? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जो लोग ट्रैफिक वार्डन्स हैं दे आर स्टैंडिंग, बाहर धूप भी है, आजकल रोजे हैं, बाहर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो टफ इन्वायरमेंट होती है, और आगे से जो रवैये उनको फेस करने पड़ते हैं दे आर वेरी डीमोरलाइजिंग। तो उसके लिए है कि हम लोग टोटल आजकल जो हमारा फोकस है वो ये है कि हम लोग लोगों की सेफ्टी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और हमारे 3-pronged स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले एजुकेट करते हैं, जैसा 144 आजकल नाफिज हुई हुई है कि डबल सवारी पे पाबंदी है, गाड़ी के अंदर भेजा लोग विदाउट एनी वैलिड रीज़न 2 से ज़्यादा सफ़र ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैन है, तो इसके ऊपर हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एजुकेट भी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 30,000 रोड जो कम्यूटर्स हैं उनसे अंडरटेकिंग्स ले चुके हैं कि आप दोबारा वायलेट नहीं करेंगे प्रोविजंस को, जो रिपीटेड वायलेटर्स होते हैं उनकी गाड़ियां भी हम इंपाउंड करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या कोई और हो, एंड साइमल्टेनियसली हम लोग चलानिंग भी कर रहे हैं, तो 1,87,000 के करीब हम लोग 144 के वायलेटर्स को चलान भी कर चुके हैं। आप अपने आप की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करते हैं सर? तो उसके लिए है कि हम जो एक बेसिक चीज़ें हैं, हैंड ग्लव्स हो गए, फेस मास्क हो गए, वो देते हैं, सैनिटाइजर्स हमने दिए हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ़ द ट्रैफिक,
इसके साथ साथ हमने PPEs, आपका भी मैंने स्टाफ देखा यहाँ पे बड़े कॉशियस हैं लोग, सब ने पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है। तो इसी तरह हमारे जो लोग ज़्यादा एक्सपोज हैं, ट्रैफिक वार्डन्स जो कि क्वारंटीन सेंटर्स पे ड्यूटीज दे रहे हैं, इतनी गर्मी लगती है इन 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 आउटफिट्स में, उनमें सांस, उनमें ब्रीद नहीं करता है वो आउटफिट्स। लिटरली जब मेडिकल वर्कर्स उतारते हैं आउटफिट्स, उनके पूरे कपड़े गीले होते हैं पसीने से। तो इस गर्मी में पता नहीं आपके वार्डन्स कैसे बाहर खड़े होके इनको पहन लेते हैं। हमने ये उनको पहनाए हुए हैं जी जो ज़्यादा एक्सपोज हैं, लाइक क्वारंटीन सेंटर्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ दे रहे हैं, प्लस हेल्थ के साथ जो टीम्स बनी हुई हैं जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को लेते हैं और उनको लेके जाते हैं टू द आइसोलेशन सेंटर्स, उन लोगों को दी हुई हैं। प्लस हमारे हर, वी हैव 10 ट्रैफिक सर्कल्स इन लाहौर जी ट्रैफिक के, तो उसके अंदर हमने हर ट्रैफिक सर्कल में एक एक रोड सेफ्टी ऑफिसर है हमारा, तो उसको हमने ये गियर्स दिए हुए हैं कि जो हमारा कोई बंदा बीमार होता है उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उनके टेस्ट कराना, तो उनको भी हमने ये गियर दिया हुआ है। तो दिस इज़ हाउ वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स सेफ। जी अच्छा, फ्यूचर प्लान्स, अभी तो चले पेंडेमिक चल रहा है, जो भी मसाइल हैं, बट आई नो दैट यू आर अ वेरी इनोवेटिव पर्सन, तो आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा फॉर लाहौर एंड फॉर पंजाब। इमीडिएट जी बहुत अच्छी चीज़ होने जा रही है फॉर लाहौरीज, वो ये है कि हम लोग ई पेमेंट, ई चलानिंग शुरू करने लगे हैं जी। ई पेमेंट्स बेसिकली कि जितने लोग हैं उनको पहले अपने फाइंस डिपॉजिट करने के लिए नेशनल बैंक में जाके लाइंस में लगना पड़ता है और उनको हैसल भी होती है आजकल के दौर में, आजकल के हालात में सोशल डिस्टेंसिंग भी इम्पैक्ट होती है। तो उनके लिए हमारी जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है PITB, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है और एक जॉइंटर एग्रीमेंट भी हो गया बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ट्रैफिक पुलिस। तो वेरी सून इंशाल्लाह ताला ड्यूरिंग दिस रमजान हम लोग ई पेमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर ATMs के थ्रू चलान्स पे हो सकेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो सकेंगे। उसके अलावा यू गो टू एनी ऑफ द बैंक ब्रांच, कि कोई भी ब्रांच हो, इरिस्पेक्टिव को नेशनल बैंक है, एलाइट बैंक है, MCB है, तो बहुत सहूलत हो जाएगी। मैं समझी काशिफ भाई कहने लगे बहुत अच्छी खबर है, हमने चलान देने बंद कर दिए। नहीं, आसानी क्या की, मतलब अब और मजीद चलान बनेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक और अच्छी चीज जो होने जा रही है कि हम लोग जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स हैं उनकी अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा कॉरपोरेट माहौल मिलेगा। वहाँ पे आप रिस्पेक्टेबल माहौल में आप जाएंगे, हमारे सीनियर सिटीजंस के अलग काउंटर्स होंगे, फॉर लेडीज वी विल बी हैविंग सेपरेट काउंटर्स। सर अभी भी बहुत अच्छी सिचुएशन है, मैं रिसेंटली गई थी अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, आई हैव टू से दिस। अभी मज़ीद बेहतर सर्विसेज इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल कि हम देंगे जी। सो दीज आर द फ्यूचर गेम प्लान्स। Well, best of luck with everything, sir. Yeah, very kind of you. Pleasure and an honor having you on the program. And and inshallah, ghar pe bhi halaat theek hi rahenge. Aapki bhabhi ke bare mein jo aapne statement de diye ki she is a better driver than you. Acha, chale thodi si ab serious guftugu ki taraf mazid aur aa jate hain. Kashi bhai, mujhe bataiye ki kya aapne kuch, maine aapse request ki thi ki kuch specially aaj ke din ki munasibat se hamare viewers ke sath share kare. Dekhiye, ye mulk jo hai ek amarat hai और इस इमारत की जो बुनियाद है वो हमारा लेबर तबका है जो दिन रात मेहनत करता है। एक सरकार हज़रत वासिफ अली वासिफ का शेर है कि पल भर में ज़मी बोस वो हो जाती है वासिफ, पल भर में ज़मी बोस वो हो जाती है वासिफ, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से, यानी कि जिसकी बुनियाद हिल जाए उसकी बिल्डिंग कायम नहीं रहती ऊपर। और हम ये जो सबक हमें जो सिखाया गया है, ये तो लेबर डे शुरू हुआ है कोई 1886 से, मेरे ख्याल है उसका नाम था समथिंग जे मैकवायर, 1886 में पहली दफ़ा जो ये लेबर डे है इसको सेलिब्रेट किया गया और उसमें ये अनाउंस किया गया कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लेबर लॉज के अंदर वो सारी तब्दीलियाँ की गई और काफ़ी हंगामा भी हुआ। हमारे मुल्क में लेबर डे जो है ये 1973 में आया, लेकिन जो हमारी तालीम है वो 1400 साल पहले की है बेशक, जिसमें हमें बार बार ये सिखाया गया है कि लोग, मतलब इंसानियत एंड पॉजिटिविटी के साथ लोगों के साथ चलना, जहाँ कहा गया कि मजदूर की उजरत उसके पसीने के खुश होने से पहले अदा कर दी जाए। शाह साहब भी एग्जैक्ट यही बात, सबसे पहली बात शाह साहब ने ये कही है आज, काशिफ भाई सबसे पहली बात, बात ये कि हमारे मुल्क में अगर किसी के पास ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, या इतना होना नहीं चाहिए था, तो इसका मतलब है कि उसने कहीं गरीबों का खाया है, किसी का कुछ खाया है तो उसके पास ज़्यादा है। वरना हमारे जो माशरा है, इस्लामी माशरा, उसमें मसावात इतनी है, ज़कात इतनी अच्छी है, हमारे बाकी मामलात इतने अच्छे हैं कि मुमकिन नहीं
कि किसी के पास इतना ज्यादा सरमाया हो और गरीब इतना ज्यादा नीचे चला गया हो। कल हम जब आजमाइश की बात कर रहे थे अपनी सहरी ट्रांसमिशन में, तो मैं मतलब बल्कि अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में, तो मान साहब आपके लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि मैं ये बात हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो एक सर्टन फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका लोगों का होता है, जिनको मजदूर तबका कहते हैं, जो मुस्तहक भाई बहन है, तो उनके ऊपर बड़ी आजमाइश होती है। मैं कहती हूँ उससे बड़ी आजमाइश उन लोगों पे होती है जिनके पास होती है रकम और उनको लोगों को देना होता है, इसलिए क्योंकि आपके पास अगर हो ना तो पता नहीं क्यों लोगों की जान जाते हैं देते हुए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपकी ज़रूरत 10 रुपए है तो लोग 100 के 100 को पकड़ के बैठे रहेंगे। तो एक्चुअली ये जो बहुत अमीर या जिनके पास बहुत ज़्यादा कुछ है, जो आपकी फैक्ट्रीज मिल्स के ओनर्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, एक्चुअली तो आजमाइश आपकी है कि आप क्या प्रूव करते हैं कि आपके अंदर कितना मेरिट है। जिसके पास नहीं है उसे तो बर्दाश्त करना है, सब्र शुक्र करना है। आपने एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप ले के बैठ जाते हैं, जरा मुर्गी अंडे के ऊपर बैठ जाती है कि भाई हिलना नहीं है, कि किसी को नहीं देना। मजे की बात यह कि कब्र में तो उसी कफन में जाना है जिसमें बाकी सब ने जाना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया। वैसे आपने एक बड़ी खूबसूरत आपने मिसाल दी। आपने कहा देखो, 4 कैटेगरीज हैं, 2 अमीर 2 गरीब। एक अमीर, अच्छा अमीर, कि जो अपना माल उन लोगों में दे जिनके पास वो नहीं है, और बुरा अमीर जो अपनी दौलत के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ और किसी को ना दे, और एक बुरा गरीब। बुरा गरीब वो गरीब जो दूसरे की दौलत पे नज़र रखे, और अच्छा गरीब वो गरीब जो अल्लाह की इस नेमत पर भी शुक्र अदा करे। कहते हैं कि गरीब है पर करीब है, और अल्लाह उसकी झोंपड़ी में सबसे ज़्यादा रहना पसंद करता है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सैयद हम्माद आबिद साहब थे। आप सब ने हम्माद भाई को अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला इनको और इनकी पूरी फोर्स को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और वी सल्यूट यू सर फॉर द एफर्ट एंड द एनर्जी, एंड मतलब जिस तरीके से आप लोग अपनी जान जोखों में डाल के हम लोगों को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 42 की आवाज़ में अब हम आपको वेलकम करते हैं शहरे रमज़ान। और जब 42 की आवाज़ की बात होती है तो हमारे मुल्क के दो बहुत ही मारूफ नातख्वां, एक ऐसी सीनियर पर्सनालिटी जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता हैं, मरहूब अहमद हमदानी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही प्यारे भाई, होस्ट एंड ऑफ कोर्स बेहतरीन नातख्वां शहजाद मदनी हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम मदनी भाई। अस्सलाम। ओके, सो आपकी इजाज़त से, एंड ऑफकोर्स काशी भाई भी हमारे साथ हैं आज फिर, एंड देन वी हैव द लवली तहसीन सकीना ऑल्सो। एक बड़ा खूबसूरत सा हमारा बुके तैयार हो गया है, तो कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं और हमारे जजेस भी हैं। फाइनल डिसीजन ऑफकोर्स हमारे जजेस की होती है, बट हम फीडबैक भी अपने दोनों सेलिब्रिटीज से, स्टार से लेते हैं। आपकी इजाज़त से फौरन ही स्टार्ट कर दें मदनी भाई। इजाज़त है मदनी भाई। बिल्कुल, हमारे साथ हसनैन बिन सफ्तर हैं, सबसे पहले कंटेस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कलाम कलाम शुरू करें। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानल्लाह। बेटा 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 रुक जाइए, पहले 2 सेकंड फीडबैक ले लीजिए। जी माशाल्लाह, आवाज़ भी अच्छी, कलाम भी बहुत आला। नफीस ताहिर साहब का पढ़ा, सुर लगाते लगाते तलफ़ आगे पीछे इसके हो रहे थे, तो इसका कोई आया है ना आए, आए अलग कर दिया, गाव अलग कर दिया, आए गा इकट्ठा होने देना। तेरे पे भी इसने ज़रा तेरे को ज़रा लंबा कर लिया था, इस तरह ज़रा सुरें अच्छे लगा रहा था, लेकिन वो फिर अल्फाज जो आगे पीछे हो रहे थे अलग हो रहे थे, अच्छा पढ़ा। जी मदी भाई, हज़रत हफीज़ साहिब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम बहुत खूबसूरत कलाम, लेकिन आगाज़ में खुशबू का लफ्ज़ जो था वही साफ बिल्कुल अदा नहीं किया गया, फिर इसमें मैं जो था वो मुँह में रह गया, मतलब वो भी शायद पूरा नहीं कह पाए, और फिर सुर की काफ़ी जगह ऐसी थी जो नहीं कहनी चाहिए थी वो भी इन्होंने कहीं, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी की। मैं दाद देता हूँ, बाज़ अंतरे में जाकर बाज़ चीज़ें बहुत अच्छी कहीं जो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल था, लेकिन थोड़ा सा मेरा बच्चा स्पीड को अपनी स्लो कर लो। आप जब ऑन एयर आते हैं तो थोड़ा सा हौसला और तहम्मुल के साथ
मुझे पता है एक नर्वसनेस भी होती है ऑन एयर जाने की, जरा बंदा घबराता भी है जी। मुझे ये सआदत हासिल है कि ये कलाम कलाम शायर बस ज़ुबान शायर हज़रत हफीज़ तायब वाला रहमत से ये मैंने खुद सुन रखा है, और ये बच्चे ने जब ज़िक्र किया तो मैं उस यादों में चला गया था कि जब वो ख़ुद उन्होंने ये कलाम सरकार बाद साहब के रोज़े पर ये पेश किया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ाई थी, मुझे बड़ा ही खुशी हुई है। और पता नहीं, शायद मुझे लग रहा था कि लंबी लय है बहुत ज़्यादा ये, है ना जी? वो आपने कह दिया जी। हाँ जी, तो लेकिन बाहर अच्छा है जी, गला अच्छा है माशाल्लाह जी। बहुत अच्छा था, मुझे ऐसे लगा थोड़ा सा स्लो जब स्टार्ट किया, थोड़ा सा स्लो था स्टार्ट में, लेकिन आगे आगे ये अच्छा लगा कि जो इसने स्केल रखा वो इसने अपनी कैपेसिटी की जितनी थी उसके मुताबिक रखा, और वो उखड़ा नहीं उससे, क्योंकि ऐसे हो जाता है कि जब स्टार्ट होता है तो फिर स्लो, और फिर ये बहुत अच्छा था। बाकी जो जजेस ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, उनकी राय बिल्कुल मेरे लिए बहुत अच्छी है, वो उस्ताद हैं, वो ज़्यादा समझते हैं, लेकिन अच्छा था, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बुलाएंगे हसनैन अली को। तो ये अभी हमने सुना हसनैन बिन सफ़तर को, अब हम सुनने जा रहे हैं हसनैन अली को। हसनैन को सुनते सुनते ही हम ब्रेक में जाएंगे, फीडबैक इनको ब्रेक के बाद देंगे जी। हसनैन जज़ाकअल्लाह बेटा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको फीडबैक हमारे जजेस देंगे, और उसके बाद ऑफकोर्स हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट भी ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। व्यूअर्स, कश्मीर शहर रमज़ान इज स्पॉन्सर्ड बाय कामरान स्टील, लेक सिटी सूफी, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम एंड टैंग। तो व्यूअर्स, चलते हैं सिटी 42 की आवाज़ की तरफ जी। मरगूब साहब, हमने ब्रेक से पहले हसनैन अली को सुना, क्या कहेंगे आप? हसनैन अली माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, आवाज़ भी अच्छी, सुर भी अच्छे लगाए, बस थोड़ी सी जो तजर्बा कम होता है इसलिए तलफ़ में भी कमी बेशी हो जाती है, ज़रा उनको तलफ़ को साथ अटैच करते हुए। ठीक बात, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाए। कभी को बुरी बात भी कह दिया करें किसी के टेस्टेंट के बारे में, आपके बारे में नहीं बेटा, मैं वैसे कह रही हूँ, नहीं, अल्लाह ताला के हुक्म, वो बेचारा मुझे स्नैन देख रहा है कि मैंने क्या बिगाड़ा, मेरी बारी क्यों ये सवाल पूछ रही है। हम अल्लाह ताला के हुक्म पे चलते हैं, उन्होंने कहा कि दूसरों की बुराई ना देखो, अच्छाई देखो, अपनी बुराई देखो। नहीं तो फिर जज बुराई देखो, दूसरों की ना देखो। नहीं, उस्ताद का थोड़ा सा काम है कि तरबियत का अंदाज भी जरूरी है। अमदानी साहब, फिर मतलब फिर जज की सीट पर नहीं बैठना चाहिए ना, तो बात कैसे बनेगी? ये तो वो वाली बात है कि बंदा जाए और कोई जो क्रिमिनल है वो खड़ा हो जज के सामने, तो जज के कुछ नहीं होता, तुम संभल जाओगे, 8 कत्ल किए हैं, 9 तो नहीं किए, चले जाओ। अच्छा हमदानी साहब बताइए, हमदानी साहब के लिए मदरी साहब, हमदानी साहब तो नहीं बनाता, एक तो इतने वक्फे के बाद जो रचाव था उसके कलाम का, उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना, उस वक्त मज़ा देना था, लेकिन कोई नहीं, हम अभी भी कहते हैं, एक तो तलफ़ कुछ ख़राब था, पढ़त बहुत अच्छी है, और मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा इस इनकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ जो मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा, हर लफ्ज़ को बहुत लंबा करना ये ज़रूरी नहीं था, अगर वो थोड़ा सा उनको मुख्तसर कर देते तो और खूबसूरत पढ़त हो सकती है आपकी। माशाल्लाह, ओवरऑल बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ा। लफ्ज़ लंबे जो होते हैं ना, आपका ध्यान होता है सुरों की तरफ, और सुर लगाते लगाते जगह जगह लफ्ज़ ज़रा गड़बड़ हो जाते हैं, तो ये ज़रा ध्यान में रखना, जब मुकाबले में आए ना, मुकाबले में इन चीज़ों में रखना, बाहर जैसा मर्जी पढ़ें आप। खैर, अच्छा ये बताइए आप क्या कहेंगे तहसीन? अच्छा था, अंदाज भी अच्छा था, तलफ़ का था जैसे उस्ताद ने कहा, बाकी बेहतर था। सरकार के शेर है, दर मुस्तफ़ा पे सवाल है, दर मुश्तबा पे सवाल है, उसी शाह के दर पे सवाल है जो कि शम बज़्म में ख्याल है। क्या बात, ये जो जब इन्होंने पढ़ा तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन जब वो मुस्तफ़ा को थोड़ा सा फ़र्क करके पढ़ा ना, कान को एकदम से महसूस हो, वरना इनका वो कंपोजिशन बहुत खूबसूरत थी, वो अंदाज बहुत अच्छा था, तो आवाज इनकी हाँ, बहुत पसंद आई है, बहुत बहुत पसंद आई है, एंड ब्यूटीफुल वॉइस माशाल्लाह, क्लैरिटी थी वॉइस में एक बहुत ज्यादा इसकी। थैंक यू बेटा, ज्यादातर अच्छी बातें हुई हैं। अच्छा अब हम बुलाएंगे मुकद्दस यूनुस को कि वो आए और कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मुकद्दस जी बेटा, मुकद्दस जज़ाकअल्लाह जी बेटा जी। मदनी भाई आप
ज़्यादा जल्दी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आपसे आ जाते। मैं जल्दी नहीं कहना चाह रहा था, बस मैं ये चाह रहा था कि बहुत मुकद्दस काम है ये, तो बच्चे जब भी आएँ, जब यहाँ पे आते हैं, ट्रायल देते हैं, तो वो ज़रूर घर से कोशिश करके, मेहनत करके आएँ। मैं हमेशा एक आवाज़ सिटी 42 की इस ट्रांसमिशन को क्रेडिट देता हूँ कि ये उनका करने का मकसद एक है कि खूबसूरत आवाज़ें आकल सलाम की मदद के लिए चुनी जाएँ। तो ये बस मेरा इसी में मैंने सब कह दिया जी। वो ज़्यादा ही कह दिए जी। हमदानी साहब जी, माशाल्लाह आवाज़ अच्छी बच्ची की, लेकिन सुर अच्छे नहीं थे, सुर में दराज। आवाज़ अच्छी थी सर, सुर बोल गई ना। ये देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं अभी, ये फिर वही कर रहे हैं अब। हमदानी साहब फिर आप वही कर रहे हैं। नहीं, अंतरा बहुत अच्छा स्टार जैसे शुरू की, स्थाई शुरू की, लगा कि मेरी बहना जैसा ऊंचा स्केल हो जाएगी। हाँ, बड़ा अच्छा लगा जब देखा कि वो फिर वापस आ गई। हर किसी का हमारी बहना की तरह ऊंचा स्केल मैं वही समझा, यही था। मैं तो कहा जवाब भी इनसे लेंगे सबसे पहले ये, इसकी फीडबैक भी देना। मुझे ये लगा कि बच्ची की जो आवाज़ में कपकपाहट ज़्यादा थी, क्योंकि ये अब इसको कवर करेगी तो ठीक हो जाएगा, वरना ये मतलब स्टार्ट ऐसे ही। अगर आप यही जो कलाम बच्ची ने पढ़ा है, आप अगर एक, मुझे ये कलाम असल में आता नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो वैसे जो था शेर में काफ़ी ज़्यादा स्वर मिस हो गए थे। अच्छा, मैं ये वो एक शेर में आपको सुनाता हूँ सरकार का। आप फरमाते हैं कि खाक को रिफत मिले, बे बालों पर को पर मिले, नात पैगम्बर से जब इरफान पैगम्बर मिले। ये नात का शोभा इतना कीमती है कि ये इरफान पैगंबर तक ले जाता है, तो इसको बहुत अकीदत से और एहतराम से सीखने की ज़रूरत है। तो बच्ची में है थोड़ा, लेकिन मेहनत की ज़रूरत है, अभी मेहनत की ज़रूरत है। जय मुकद्दस, आप यहीं पे रहेंगी। हसनैन और हसनैन दोनों हमें आके सेट पे ज्वाइन कर लें। बेटा आप दोनों भी आ जाए, और बेटा दो कदम आप अगर पीछे रख ले लो, तो अब आप तीनों लाइन में खड़े हो जाएं, और जो दो लोग आगे जाएंगे उनको अनाउंस किया जाएगा। वैसे जब तक हमारे जजेस आपस में मुशावरत कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, तब तक मैं काश भाई, आपके दो फेवरेट अभी कौन है बच्चे? दोनों तीनों माशाल्लाह प्रेजेंटेशन तो अच्छी रही, लेकिन दोनों बॉयज़ जो है वो कुछ आज बेहतर। इसलिए तो नहीं है क्योंकि दो बॉयज थे? नहीं, मैं तो बहुत, मुझे पसंद हो कि मैं कहूं कि तीनों गर्ल्स अच्छी, तीनों गर्ल्स आगे जाएं। बिल्कुल जी, दोनों बच्चे ही अच्छे थे, बच्ची भी अच्छी थी, लेकिन बच्ची को थोड़ी सी तैयारी की भी जरूरत है। मेरे ख्याल में दोनों बच्चे जो जी, फाइनल डिसीजन की तरफ चलते हैं, हमारे जजेस अब डिसाइड करेंगे। हस वो माशाल्लाह नंबर 1 पे है, और हसनैन बिन सफदर जो है ना वो सेकंड है। ठीक है, तो हसनैन अली आगे कदम रखिए, और हसनैन बिन सफदर, ये हमारे दोनों बच्चे जो हैं आगे जाएंगे हमारी 42 की आवाज़ में। और बेटा मुकद्दस, मेहनत करनी है आवाज़ में, डेफिनेटली वो जो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना जूस है, बस उसको थोड़ा सा आपने मज़ीद और ग्रूम करना है अपने आप को। बेटा आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच। अब क्योंकि हमारे पास दो लम्हे हैं, जल्दी से किचन में भी झांकी मार लूं। हमारी बेचारी शेफ़ जो है अबीरा, कह रही होगी कि मुझे भूल ही गई हैं और हम भी पड़े हैं राहों में। जी अबीरा जी, मुझे बताइए कि आज जो हमारा मेन्यू है, जिसमें आप बॉक्स पैटीज भी बना रही हैं, ये क्रीमी क्या बॉक्स पैटीज है? क्रीम, लॉट्स ऑफ फूड स्पेशल क्रीमी बॉक्स पैटीज। अच्छा, और ये हम चिकन की एक डिश बना रहे हैं जी, बोनलेस। अच्छा, तो रेसिपी बता दें जल्दी से हमें। रेसिपी जो है स्पेशल, इसकी आपने जो है बहुत ऐसे वैसे गप लगा रही है वीरा कि हाँ वो ऐसे करके हमने उधर उधर बताना। ओके, बहुत इजी सी है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है स्पेशल क्रीम, उसके अलावा आपको मायोनीस, समोसा पट्टी और तीन मसालों की ज़रूरत है, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक, ठीक है। और इसमें मीट कोई डलता है? जी चिकन भी डलता है, बोनलेस चॉप, ठीक है। आपको उसके लिए चॉप 1 कप चिकन और कैबेज 1 कप और कैप्सिकम 1 कप चॉप, तीनों चीज़ें चॉप चाहिए होंगी। उसके बाद हम जो है चिकन को फ्राई करेंगे, उसके अंदर हम सोया सॉस 1 टेबल स्पून और चिली सॉस, नमक और हम गार्लिक पाउडर डालेंगे, ठीक है। उसको हम पकाएंगे जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद हम उसको एक बाउल में डालेंगे, उसमें क्रीम डालेंगे 1/2 कप, मायोनीज डालेंगे और सारी चीज़ें जो वेजिटेबल्स हैं उनमें मिक्स करके उनको हम बॉक्स पैटीज रेडी कर लेंगे समोसा पट्टी में, ठीक है, डाल के।
और फ्राई कर लेंगे जैसे समोसा फ्राई करते हैं वैसे ही। वंडरफुल, इजी एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम कश्मीर के किचन में हैं, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, मज़ेदार खाने और अपनों के साथ हमेशा से रमज़ान का मतलब अपनों के साथ वक्त गुजारना और खाना पीना, ये सब रमज़ान का हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। और इस कनेक्शन को मज़ीद और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल और वनस्पति अपने 100 से ज़्यादा नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स के साथ आपका साथ निभा रहा है पिछले 58 ईयर्स से। ऑल्सो ये भी कहूँगी कि अगर आप रोज़े में और इस गर्मी में ज़्यादा टाइम किचन में नहीं गुजारना चाहते तो एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप अभी कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति के फेसबुक एंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे जाएं और रमज़ान खाना कहानी के साथ जो है जाके आप नई रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस रमज़ान खाना कहानी जो है उस पर जाके यू कैन गेट न्यू रेसिपीज़ एंड फीडबैक। ऑल्सो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कलाम भी सुनेंगे और एक रेसिपी रह गई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वापस आ ही गए हैं तो किचन की तरफ जाना है, इनका कलाम सुनते सुनते एक और फरमाइश आ गई लेकिन हम उस फरमाइश की तरफ अभी आएंगे दो लम्हे के बाद। आप सब के एक्सक्यूज़ करके ज़रा किचन की तरफ चलती हूँ। हमारी प्यारी सी शेफ अबीरा शेख हमारे साथ हैं। जी अबीरा, के अभी तो आप अपनी बॉक्स पैटीज को फ्राई कर रही हैं लेकिन जो चिकन की हम डिश बनाने जा रहे हैं आज उसके क्या रेसिपी है? जो हमारी चिकन की डिश है बोनलेस, इसको लॉट ऑफ फूड में बहुत 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 लाइक किया जाता है क्योंकि बोनलेस है इसलिए लोग बहुत पसंद भी करते हैं। जिसकी रेसिपी है बहुत सिंपल है, हम इसे घर में भी बना सकते हैं। इसको 1 kg हमें चिकन चाहिए, ठीक है, जो मेन कोर्स है हमारा 1 kg चिकन, 1 large ऑनियन और 2 tomato जिसका हम 1 tomato का पेस्ट बना लेंगे और 1 tomato हम कट करके रख लेंगे। उसके बाद जो सिंपल हमारे पास सॉल्ट, रेड चिली मिर्च, ये सिंपल हम जो खानों में यूज़ करते हैं, नमक मिर्च हमारे पास होनी चाहिए। और स्पेशल जो चीज़ है वो है मेथी का, सूखी मेथी एंड पे जो हम उसमें ऐड करेंगे। सूखी या फ्रेश? सूखी सूखी जी। अच्छा बाय द वे मसाला, सॉरी कुछ ऑयल उड़ता हुआ गया आपको तो नहीं मिल रहा है? साथ साथ वैसे जिनको जो काम आता है ना उनको वही करना चाहिए, जैसे कि होस्ट को होस्ट ही रहना चाहिए। खैर, तो सूखी मेथी और जो फ्रेश मेथी होती है दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है। वो सिर्फ खुशबू के लिए डालते हैं ना मैं, इसलिए वो फिर पकने में उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर हम डालेंगे फ्रेश। सही, तो ये हमारी दोनों जो हैं रेसिपीज़ वो कंप्लीट हो गई, क्या अभी उसमें और कुछ भी डलेगा? आफ्टर कंप्लीटेड। अच्छा व्यूअर्स, ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बाय द वे देखिए इतनी खूबसूरत बॉक्स पैटीज़ तैयार हो रही हैं और अभी हम ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे कि वही समोसे। बाय द वे आप इनको टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पर रेसिपीज़ बनाती है बहुत मज़े की। किस नाम से? अबीरा शेख। बिल्कुल ठीक, तो अबीरा शेख के नाम से आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि एक ही चीज़ बार बार बनाने से घर वाले भी थोड़े से बोर हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि इंटरेस्टिंग और डिफरेंट रेसिपीज़ की तरफ जाएं। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लॉर्ड ऑफ फूड से अगर हमारे पास डिफरेंट शेफ्स आते हैं अपनी पर्सनल रेसिपीज़ शेयर करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इट्स लाइक शेयरिंग योर सीक्रेट, तो आपके साथ अगर सीक्रेट शेयर हो रही है तो फिर उसका एडवांटेज भी उठाएं। अच्छा, करशी जामे शीरी 100% खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है और उसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया जाता। गर्मियों के मौसम में खसूसी जब हीट वेव चल रहा हो तो करशी जामे शीरी से आपको तस्कीन भी मिलती है, सुकून भी मिलता है और गर्मी ज़रा आपको कम महसूस होती है। एंड इफ्तार में और सहरी में दोनों टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची का शरबत तो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, मैं इसको अक्सर दूध में मिक्स करके बच्चों को सर्व करती हूँ, खुद भी इसको इस्तेमाल करती हूँ इफ्तारी में एंड सहरी में भी। लाइक आई सेड देन स्प्रिंगले वाटर, सब जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट वाटर अवेलेबल इन द मार्केट। प्लस अगर खुदा न खासा तबीयत ख़राब हो तो करशी का जोहर जो शानदार नेचुरल हर्ब से तैयार किया जाता है और उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, अब वक्त हुआ जाता है दुआ का। ये आइडियल टाइम होता है व्यूअर्स इफ्तारी से बिल्कुल पहले कि आपके दिल में जो दुआ है, जो मुरादें हैं, रब ताला के सामने झोली फैलाएं और दुआ करें। और दुआ कराने के लिए हमारे साथ हैं मुफ्ती अहमद अली, बहरिया ग्रैंड मॉस्क के खतीब हैं। आइए उनके पास चलते हैं और दुआ में शामिल होते हैं।
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ آج ساتواں روزہ مکمل ہونے کو ہے اے اللہ آہستہ آہستہ رمضان ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے اے اللہ پتہ نہیں آئندہ زندگی ہمیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اے اللہ کئی ہمارے مسلمان بہن بھائی بہنیں ہمارے اعزہ اقربا جو پچھلے سال موجود تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اے اللہ سب کی بخشی فرما دے اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ربا سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے سب کی بخشی فرما دے اے اللہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں قبر کی ذلت سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں قبر کی ذلت سے محفوظ فرما اے اللہ وہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا بیٹے بھی چھوڑ کے آ جائیں گے بھائی بھی چھوڑ کے آ جائیں گے ربا وہ تاریکی والی قبر جب تک تیرا فضل نہ ہوا اے اللہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اے اللہ ہماری قبور کو بھی ہمارے اعزہ اقربا کے قبور کو بھی منور فرما دے اے اللہ اس مبارک ساعت کی برکت سے اے اللہ اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم فرما دے اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم فرما دے اے اللہ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اسی رمضان میں اعلان کریں کہ ہم نے پاکستان سے سود کی لعنت کو ختم کر دیا اے اللہ ادھر سود کی لعنت کے ختم ہونے کا اعلان ہوگا اے اللہ ہمیں یقین ہے ادھر تیری رحمت کی ہوائیں چل پڑیں گی تیری رحمت کی ہوائیں چل پڑیں گی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ یہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے وبائیں آئی ہوئی ہیں ربا ہم اقرار جرم کرتے ہیں ہم ظالم بھی ہیں ہم فاسق بھی ہیں ہم خائن بھی ہیں ہم نے تیرے نبی کے طریقوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کے وقت اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اے اللہ تیرے نبی کا فرمان سچا ہے تیرے نبی کا فرمان سچا ہے اے اللہ اس مبارک گھڑی کے طفیل ساری انسانیت سے اس وبا کو ختم فرما دے اے اللہ ہماری بس ہو چکی ہے ہمارے بڑوں نے کہا ہم کرونا سے لڑیں گے میرے اللہ میں اپنے ان بزرگوں کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں ہم تیرے عذاب سے کہاں لڑ سکتے ہیں اے اللہ ہم تیرے عذاب سے کہاں لڑ سکتے ہیں ہم تو ضعیف کمزور ہم تو تیرے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو اتفاق نصیب فرما اے اللہ حکومت والوں کو اور اپوزیشن لیڈروں کو اے اللہ مل جل کے بیٹھ کر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ سب کے دلوں میں محبت نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دے بن مانگے عطا فرما دے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے ہمارے روزوں کو قبول فرما لے اے اللہ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما دے اے اللہ جب اس دنیا سے جائیں ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین